हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए सब्जेक्ट है फिजिक्स। चैप्टर नंबर आपका है 11। टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेटा दो टाइप्स के होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ चुके हो, है ना। जब भी हम मान लीजिए कोई दो मीडियम लिए हैं, यहाँ पे ले लिया है फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम, तो यहाँ पे जब भी कोई लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगी, यानी रेगुलर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा निकालते हैं। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। और जो सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला जाता है, एयर या वैक्यूम निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर एयर वैक्यूम के अलावा किसी मान लीजिए यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं, यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालते हैं, या किसी और एयर को छोड़ के वैक्यूम को छोड़ के किसी और के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आज हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। देखिए, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रिटेन है। देखो हमने लिखा है कि जब भी लाइट रे कोई भी लाइट रे पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास होगी तो क्या होगी, वो बेंड होगी। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम का, यानी सेकंड मीडियम का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का, है ना। निकालेंगे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें हमेशा रिफ्रैक्टिव मीडियम का निकलता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकलेगा सेकंड का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, लोगों से लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रिटन है। कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, हम लोग किससे डिनोट करते हैं एम से। यहां पे देखो ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, समझ गए। अब यहां पे आप समझ सकते हो, मान लीजिए एयर है या वाटर, एयर ले लें, नीचे वाला वाटर ले लें, ग्लास ले लें, क्या ले लें, ग्लास ले लें, ठीक है। ऊपर वाला रेगुलर मीडियम हुआ, नीचे वाला डेंसर मीडियम, तो निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। अब देखो यहां पे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो यहां भी किसका निकाल रहे हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का, सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास है, सेकंड मीडियम यानी इसको हम लिखेंगे एन टू, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के, यानी एन वन, ठीक है ना। अब यहां पे देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे एन टू लिखा है, तो यहाँ पे देखो आपको समझाने के लिए बता देते हैं, एन टू क्या है, मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब यहाँ पे तो आगे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे एयर होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, इसको तो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे एयर होता है, अंडरस्टूड है, कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या, ये जो सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में, वो एयर के रिस्पेक्ट में है, इसके एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट। तो आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कल हमने बताया था, जब एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम है, इसको दिखाएंगे कैसे, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में स्पीड ऑफ लाइट हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यहां पे n2 लिया है, गिवन मीडियम क्या, सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम में तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट कितना ले रहे हैं, n2 ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही निकल लेगा n1 की बात करते हैं, कि n1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, नीचे मान लो फर्स्ट मीडियम रहा हो ऊपर कुछ और रहा हो, तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एयर के रिस्पेक्ट में। तो सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, होती है, और यहां पे मीडियम जो दिया उसमें क्या होगी, वन होगी, यहाँ वन है, यहाँ पे वन ले लिया, यानी कि आप समझ सकते हैं एन टू क्या लिख सकते हैं बेटा, सी अपॉन वी टू, एन वन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन वी वन लिख सकते हैं ना। तो वही हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे हो जाएगा सी अपॉन वी टू, सी अपॉन वी टू अपॉन सी अपॉन वी वन, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये तो बस फर्क था, सब फर्क था आपको समझाने के लिए। अब देखो तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ आके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सी अपॉन वी टू ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी वन अपॉन सी,
ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा क्या बेटा v1 अपॉन v2 आ जाएगा, v1 अपॉन v2। तो यहां पे आपको फार्मूला क्या मिलने को, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, एक तो आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और दूसरा क्या आएगा v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ये फार्मूला आपका मिला है ना। हां अब यहां पे देख लीजिए, जब भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो नीचे वाले कैंसिल निकाल दो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो सेकंड मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला ऊपर, फर्स्ट मीडियम नीचे। लेकिन यहां पे स्पीड की बात होने चाहिए, स्पीड की बात होने लगी, स्पीड ऑफ लाइट की बात होने लगी, तो यहां पे जो v1 ऊपर v2 नीचे, यहां v1 वाला ऊपर v2 वाला नीचे, ऐसे समझ लीजिएगा। ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में काम आएंगे, अभी बता रहे हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो आप सब निकाल के दिखाएं, चलिए मान लीजिए हमको निकाल दे, एक बार उसको ले लेना पड़ेगा, और जब भी एयर वैक्यूम नहीं लेंगे हम, कोई सा भी दो ले लेंगे, ग्लास वाटर ले लेंगे,